सिन्हा मेंशन में मातम पसरा हुआ था, क्योंकि सिन्हा मेंशन के मालिक रमाकांत जी का हाल ही में निधन हो गया था। सभी पड़ोसी उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हो गए थे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी अर्थी सजाई गई और पंडित जी को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया। मगर जैसे ही सब लोग उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शमशान की ओर ले जाने लगे, मिसेस सिन्हा आगे आई और सब लोगों को रोक दिया। रुक जाओ, मेरे पति की लाश को अग्नि के हवाले मत करो। उन्हें आग से बहुत डर लगता था। हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे जलाना मत, दफना देना, ताकि मरने के बाद मुझे तकलीफ ना हो। कैसी बेफिजूल की बातें कर रही हैं आप? मरने के बाद कहीं शरीर को कोई तकलीफ होती है क्या? यदि अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? शायद इसी बेफिजूल की सोच के कारण तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो सब मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना पता है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को दफना दिया जाए, और मैं उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करूंगी। अगर तुम्हें हमारी कोई बात माननी ही नहीं है तो हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? वैसे भी यदि शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा तो हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। चलो भाई, चलो सब लोग। सिन्हा के रोकने पर भी कोई भी नहीं रुका। केवल के दो नौकर और मिसेस सिन्हा ही अब रमाकांत जी की लाश के पास बाकी थे। अब सिर्फ तीनों ही बाकी है तुम्हारे अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए। तुम दोनों मेरा साथ होंगे। दोनों नौकर उनकी थामा में आना लगाकर लाश को उठा कर चल लगे। लोग एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ। यहां तक कि कोई चौकीदार भी वहां मौजूद नहीं था। हम लोग लाश को यहां दफनाने के लिए तो आए हैं, मगर यहां हमारी मदद के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। अब क्या करें? करना क्या है, केवल उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें यहां पर दफना कर चलते हैं। हम दोनों मिलकर एक गड्ढा खोद देते हैं और उनकी लाश उसमें दफना देंगे। नौकर की बात सुनकर मिसेस सिन्हा अपने पति की लाश के पास खड़ी थी और नौकर उनके लिए कब्र खोद रहे थे। शाम का समय हो चला था। नौकरों की मदद से मिसेस सिन्हा अपने पति की लाश को दफना कर कब्रिस्तान से बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था मानो उनके पैर किसी ने पकड़ लिए हो। वो जाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक और कब्रिस्तान में पसरा हुआ सन्नाटा तो दूसरी तरफ उल्लुओं की आती हुई आवाज और चमगादड़ों के पंख की फड़फड़ाहट। ऐसा लग रहा था कि कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है, मगर जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नौकर उनसे दूर पहुंच चुके थे, मगर वो अभी भी मिस्टर सिन्हा की कब्र के पास ही खड़ी थी। वो नौकरों को आवाज देकर रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी उन्हें अपने शरीर पर कुछ रेंगने का एहसास हुआ तो उन्होंने देखा कई सारे छोटे छोटे कीड़े उनके शरीर पर चढ़ गए थे, जो उनके शरीर का खून चूसने लगे। नौकर अब कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। जब उन्होंने देखा कि वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी तो उन्हें देखकर लग रहा था कि उनके आसपास कोई है जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं, मगर नौकरों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। यार, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी बिना किसी क्रियाकर्म के दफनाया है तो हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है ना? ये लोग वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ उनके घर में लगा ही रहता है। नौकरी की मजबूरी ना होती तो कब का इनका घर छोड़कर चला जाता। याद है पिछली अमावस को साहब कितनी जोर जोर से रो रहे थे और मेम साहब उनका रोना इग्नोर करके कोई पूजा कर रही थी। अरे ये सब छोड़ यार, उन्हें लेकर यहाँ से निकलते हैं। ये कहते हुए वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर तुरंत वहां से निकल गए। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में जहाँ उन्हें दफनाया था वहां पर एक काली बिल्ली आकर अपने पंजों से उस कब्र को खोदने लगी। जैसे ही उसने थोड़ा सा गड्ढा किया, एक बड़ा सा हाथ निकलकर बाहर आया और वो लाश अपने आप खड़ी हो गई। वे लोग कुछ दूर ही कार से निकल पाए थे। थकान के कारण मिसेस सिन्हा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी एक काली बिल्ली चलती गाड़ी के बोनट पर ना जाने कहां से आ गई। वो अपने पंजे मारकर नौकर को रोकने का इशारा करने लगी।
नौकर ने हड़बड़ाकर तुरंत कार रोकी तो सामने से एक लाश चलती हुई आ रही थी। लाश चलती हुई उनके कार के करीब आने लगी। अंधेरे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो दोनों नौकर की चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर मिसेस सिन्हा ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो वो लाश मिस्टर सिन्हा की थी, जिसे वे लोग अभी दफना कर आए थे। उन्हें देखकर वे खुश हो गई, मगर डरते हुए नौकर तेजी से कार को वहां से भगा कर ले गए। देर रात लगभग 2 बजे नौकर थक कर अपने कमरे में सोए हुए थे। बंगले के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। रुक रुक के आती हुई झिंगरों की आवाज उस शांति को भंग कर रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जिस वजह से घर के पास ही लगा बिजली का खंभा गिर गया और दूर दूर तक अंधेरा हो गया। ये कहते हुए, मुझे यकीन था कि आप लौट कर आओगे। मेरी बरसों की साधना बेकार नहीं जा सकती थी। लौट आए आप। उसने 4-5 पत्ती के दीपक लगाए, तभी दरवाजा अपने आप खुला और सिन्हा की चलती फिरती लाश घर के भीतर दाखिल हो गई। वो उस लाश को लेकर अपने घर के तहखाने में पहुंची। वहां पर एक अजीब सी मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति को उन्होंने पास ही रखे खून के कटोरे से स्नान कराया। घर में रुके हुए नौकरों को घर के आसपास घटना वाला मंजर बहुत अजीब लग रहा था। दोनों अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गए। पूरे हॉल में अंधेरा पसरा हुआ था। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दोनों मिसेस सिन्हा को ढूंढने लगे। उन्हें पूरे घर में वो कहीं भी नजर नहीं आई। तभी उनके कमरे की एक अलमारी के पीछे से कुछ फुसफुसाने की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी, वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने उस अलमारी का दरवाजा खोला, सामने सीढ़ियां बनी हुई थी और अंदर से दियों की रोशनी बाहर आने लगी। ये सब क्या है? अलमारी के अंदर कमरा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। कैसी बातें कर रहा है? यदि मैडम कोई मुसीबत में होगी तो? अरे वो कैसे कोई मुसीबत में होगी, मुझे तो लग रहा है वो खुद एक मुसीबत है। दोनों धीरे धीरे उन सीढ़ियों के सहारे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिसेस सिन्हा कोई पूजा कर रही थी और उनके सामने मिस्टर सिन्हा लेटे हुए थे। उनका शरीर पूरी तरह से ऐंट रहा था। रह रहकर उनके शरीर में होती हलचल को देख उन दोनों की हालत खराब हो गई। ये क्या, हम तो इन्हें अभी थोड़ी देर पहले ही दफना कर आए हैं, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं वो जिंदा तो नहीं है? हम लोग जिंदा ही उन्हें दफना कर आ गए क्या? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब क्या करें? करना क्या है, चुपचाप यहाँ से निकल चलते, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। दोनों चुपचाप वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक उस लाश में तेज हलचल होने लगी और वो ठीक उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जाओ। अब उन दोनों की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। भय के कारण हाथ और पैर कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उनके पैरों के नीचे एक जलजला आया और वो लोग उड़कर उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। लाश के भीतर से आर्तनाद आया, इस मूर्ति को नष्ट कर दो, मुझे दूसरा जीवन नहीं बल्कि मुक्ति चाहिए। 2 बार मर चुका हूँ, मगर ये मुझे हर बार नया जीवन देकर तड़पने के लिए छोड़ देती है। ये कहते हुए वो लाश 70 साल के बुजुर्ग की लग रही थी। वो लोग डर कर पीछे हटने लगे, मगर उनके पैरों पर उनका बस नहीं था। वे खुद ब खुद उस लाश के इशारे पर मूर्ति के करीब पहुंचने लगे। रुक जाओ, कोई भी उस मूर्ति के करीब पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहते हुए एक सज्जन सी दिखने वाली महिला अचानक से चुड़ैल में बदल गई। दोनों नौकरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ लाश और दूसरी तरफ वो चुड़ैल। 2 बार तो मैं इसे जिंदा कर चुकी हूँ, ये आखिरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई तो इस दुनिया पर शैतान का राज होने से कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ तुम लोग, वरना तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगी। कहते हुए उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया
वे दोनों मूर्ति से दूर एक कोने में जाकर गिर गए। मिसेस सिन्हा अपने आगे की पूजा जारी रख रही थी, तभी ईश्वर का नाम लेकर पहला नौकर आगे बढ़ा और उसने तुरंत उसे मूर्ति को तोड़ दिया। जैसे ही उस मूर्ति को तोड़ा गया, एक आसमानी बिजली चमकी और सनसनाती हुई रोशनी आकर उस लाश के ऊपर गिर गई। वो लाश तुरंत धुआं बनकर गायब हो गई और मिसेस सिन्हा एक पेड़ की तरह जमीन पर गिर गई। तुमने मेरे कई बरसों की साधना को भंग कर दिया है। मैं लौट कर आऊंगी और अपनी साधना को पूर्ण करूंगी। और मिसेस सिन्हा एक कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर गए। कहते हुए उनका शरीर भी धुआं हो गया। उनके दोनों नौकरों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक ही वह जहां खड़े थे वो घर भी नष्ट हो गया। हम लोग इतने दिनों से मरे हुए इंसान की सेवा कर रहे थे, आज जो कुछ भी हुआ उससे बुरा ख्वाब समझकर भूलने में ही भलाई है हमारी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और नौकर के कंधे पर बैठकर बोला, शैतान को कोई नहीं रोक सकता, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा।